वेल स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास टेंथ एंड द सब्जेक्ट इज़ दैट इज़ ज्योग्राफी। एंड टुडे वी विल डिस्कस योर फोर्थ चैप्टर दैट इज़ एग्रीकल्चर। आपको आ रहा है समझ? तो अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर इट इज़ डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड। लेटन वर्ड एग्री, ठीक, एग्री प्लस कल्चर, कल एग्री मीन्स फील्ड। आपको रहा है समझ? और कल्चर मीन्स ग्रोइंग और कल्टिवेट। को इसका सिंपल मीन ये है कि हम क्या करते हैं, हम कल्टीवेट करते हैं क्रॉप को ऑन द बेस ऑफ किस फील्ड पे हम क्रॉप करते हैं। आपको ऐसा हम वो एग्रीकल्चर का सिंपल मीन जो है, हम क्या करते हैं, हम कल्टीवेट करते हैं, हम क्रॉप कल्टीवेट करते हैं किस पे, फील्ड पे। कोई एक लेटन वर्ड है। अगर हम बात करें यहाँ कि दूसरे टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। एक प्रैक्टिस है, किसकी प्रैक्टिस, फार्मिंग की, मीन्स की जिम्मेदारी की एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है। इंक्लूडिंग क्या आता है इसमें, इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। एग्रीकल्चर अगर हमने यहाँ पे देखा है कि एग्रीकल्चर जो डिवाइड फ्रॉम लेटिन वर्ड है एग्री एंड कल्चरा, एग्री मीन्स फील्ड एंड कल्चरा मीन्स ग्रोइंग, ग्रोइंग और वी कैन से कल्टिवेशन, ठीक है। लेकिन अगर हम इस टर्मिनोलॉजी को देखें, एग्रीकल्चर जो है इट इज़ अ प्रैक्टिस, ये वो प्रैक्टिस है, क्या प्रैक्टिस है, किसकी प्रैक्टिस है, इंक्लूडिंग द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग। हम कल्टीवेट करते हैं, हम कल्टीवेट करते हैं किसको, हम कल्टीवेट करते हैं, हम कल्टीवेट करते हैं क्रॉप को। आपको रहा है समझ? कल्टीवेशन ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप, हम प्लगिंग करते हैं सॉइल को, हम प्लग करते हैं उस पर हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं। एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, और हम क्या करते हैं, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स मीन्स कि हम मवेशियों को पालते हैं, हम क्या करते हैं, मवेशियों को पालते हैं फॉर ऑब्टेनिंग फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर जो है, इस टर्म का सिंपल मीन है कि जो एग्रीकल्चर है ये एक तो ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, और दूसरा जो है रेयरिंग ऑफ एनिमल्स है। एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, ये नहीं है, बल्कि इंक्लूडिंग क्या है, इसके साथ इंक्लूडिंग है क्या, रियरिंग ऑफ एनिमल्स। इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर इज अ प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ सॉइल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट। हम क्रॉप करते हैं, एक तो हम एग्रीकल्चर का कंसेप्ट ये है कि एक तो हम कल्टिवेट करते हैं क्रॉप को, और दूसरा ये है कि हम क्या करते हैं, हम रियरिंग ऑफ एनिमल्स हम करते हैं, मीन्स कि हम मवेशियों को पालते हैं किस लिए, ताकि हम वहाँ से क्या, हम वहाँ से एक तो हम मिल्क ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं, हम यहाँ से हम मटन भी, मीन्स कि हम मटन भी हासिल करते हैं, या अगर हम बात करते हैं वूल की, वो भी हम एनिमल से हासिल करते हैं, या अदर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें वो भी हम एनिमल से ही करते हैं। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर का जो कंसेप्ट है, एग्रीकल्चर इज़ नॉट फोकसिंग ऑन द ग्रोइंग ऑफ प्लांट, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, ये इतना ही नहीं है, बल्कि हमें क्या करना होता है, हमें
हमें रियरिंग ऑफ एनिमल्स को ये दो टर्म्स मिला के, रियरिंग ऑफ ये दो टर्म्स मिला के क्या होता है, इसी को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एक तो हम ग्रोइंग क्रॉप्स करते हैं और रियरिंग ऑफ एनिमल्स का करते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बन जाता है एग्रीकल्चर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरा, ये दूसरा टर्म है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। दूसरा टर्म जो है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर जो मेन पर्पज उसका यही है, एग्रीकल्चर का वो है, मेन पर्पज क्या है एग्रीकल्चर का, मेन पर्पज यही है, फूड, फीड एंड फाइबर। इसका मतलब है हम फूड हासिल करते हैं, फीड जो हम फीड करते हैं किनको, मवेशियों को हम क्या करते हैं, उनको हम फीड करते हैं, मीन्स कि वो घास खाते हैं, उनको हम घास देते हैं, उनको हम घास क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो हमने जो क्रॉप कल्टीवेट किया है उसमें हमने जो प्रोडक्ट निकाला है, फिर उसके बाद जो जो उनका मटेरियल होता है मवेशियों का, वो हम उनको दे देते हैं, ठीक है। फाइबर, फाइबर का यही है कि हम क्या वूल या हम सिल्क, हाँ हम सिल्क इससे हासिल करते हैं। आपको आ रहा समझ? तो इसका मतलब जो मेन पर्पज एग्रीकल्चर का है वही है, एक तो हम फूड ऑब्टेन करते हैं, फीड हम मवेशियों को ये करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, फीड उनको प्रोवाइड करते हैं और फाइबर हम हासिल करते हैं। आपको आ रहा है समझ? नाउ यहाँ पे अब कंसेप्ट है कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर कितने हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। पहला टाइप, इसके तीन टाइप्स है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। एक तो है प्रिमिटिव, सबसिस्टेंस फार्मिंग, हाँ तीन टाइप के फार्मिंग है, थ्री टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा है एग्रीकल्चर, थ्री टाइप्स ऑफ फार्मिंग है इसकी। कौन कौन है? प्रिमिटिव है, दूस सेकंड वन इज दैट इज इंटेंसिव फार्मिंग है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और थर्ड वन इज दैट इज कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। मीन्स कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फार्मिंग। कौन कौन से फार्मिंग? प्रिमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। ये तीन टाइप्स है किसके, फार्मिंग के। अगर हम बात करते हैं प्रिमेटिव की, पहले अगर हम बात करते हैं ये जो प्रिमेटिव है, पहले अगर अगर हम बात करते हैं सबसिस्टेंसिव फार्मिंग किसको हम कहते हैं। सबसिस्टेंसिव फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर जो होता है वो जाता है लैंड पे, क्या करता है, ग्रो लैंड पे जाता है, अपने लैंड पे जाता है और ग्रो करता है क्रॉप्स, ठीक है, कल्टीवेट करता है, कल्टीवेट करता है, क्या करता है, कल्टीवेट क्रॉप्स, और जो ये क्रॉप्स है ये उसको अपने लिए वो यूज़ करता है, मीन्स कि जो वो फूड वहाँ से निकालेगा, फूड वहाँ से निकालेगा उस वो ये अपने फैमिली नीड्स, बेस्ड ऑन फैमिली नीड्स, ये सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये इतना ही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है, वो हम डिटेल में करेंगे डिस्कस, ठीक है। ये है सबसिस्टेंसेस फार्मिंग क्या होती है, सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है, ये इसका टर्म है ये वाला। इसका ये मतलब है कि जो फार्मर होता है वो कल्टीवेट करता है, वो क्रॉप करता है, कल्टीवेट सिर्फ अपनी फैमिली के लिए या अपने नीड के लिए वो कल्टीवेट क्रॉप करता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स एंशंट, एंशंट, प्रिमिटिव मीन्स एंशंट।
अगर हम बात करते हैं कि जब हम देखते हैं कि जो जो कदीम इंसान था उसने किस तरह कल्टीवेट करना स्टार्ट किया है एग्रीकल्चर का, ये जो कंसेप्ट है ये वहीं से स्टार्ट हुआ है आज तक। अगर हम बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, वो फार्मिंग होते हैं जो हम एंशंट से आए हैं, जो हम एंशंट से आए हैं, एंशंट से करते आए हैं, आज भी हम यूज़ करते हैं। ये इंटेंसिव, ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? ये वो फार्मिंग होती है, इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड। एक छोटा लैंड होता है, इस पे ये कल्टीवेट करता है। क्या करता है? कल्टीवेट, क्रॉप करता है, कल्टीवेट। आपको आए समझ? क्रॉप करता है, कल्टीवेट, क्रॉप को क्या करता है? ग्रो करता है, ठीक है। तो इसमें वो क्या करता है? इसमें वो पुरानी, अगर हमने देखे कि टूल्स यूज़ करते हैं, पुराने पुराने टूल्स, अगर हम बात कर रहे हैं कि हो है, डाओ, या अगर हम कहते हैं डिगिंग स्टिक, जो पुराने अपैरेटस है वो इसमें हम यूज़ करते हैं। मीन्स इसमें हम ज़्यादा मशीनरी यूज़ नहीं करते हैं, उस टाइम भी टूल्स यूज़ होते हैं, आज भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कश्मीर प्लेटफॉर्म इस करा छ इस कराँ बेल खून या अशु द्रोत करा इस्तेमाल, ये हमारे पुराने अपैरेटस हैं जिससे हम आजकल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग जो है, इट इज़ डिपेंड अपॉन द मूनसून। ये मूनसून पे डिपेंड है, ये मॉनसून पे, अगर मॉनसून आया है तो तब हम कर सकते हैं ये फार्मिंग, हम कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ डिपेंड अपॉन द मॉनसून, और इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको कहते हैं स्लैश और बर्न फार्मिंग, उसको हम कहते हैं। तो स्लैश और बर्न फार्मिंग जो है, ये हम ये जो स्लैश और बर्न फॉर्म जो है, ये इसको इसको ये भी कहते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग को, ये भी कहते हैं स्लैश और बर्निंग फार्मिंग। किसका क्या मतलब है इसका? अगर हम बात करते हैं कि ये जो अगर हमें कोई लैंड कल्टीवेट करना है, पहले इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो हमारी जो वो लैंड है, फॉर एग्जांपल उस पे कोई घास होगा या कुछ होगा, पहले वो हम क्या करते हैं, पहले उस घास को हम जला देते हैं। क्यों? क्योंकि जो लैंड होता है वहाँ का, तो वो फर्टाइल नहीं होता, वो फर्टाइल नहीं होता। और जो फॉर एग्जांपल एशेज होते हैं या जो एशेज होते हैं, वो उस ज़मीन को, वो उस लैंड को क्या करता है, वो उस लैंड को फर्टाइल बना देता है। और जिसकी वजह से हमारा लैंड जो होता है, वो लैंड जो होता है वो हाई फर्टाइल होता है फॉर द ग्रोइंग क्रॉप, ठीक है। आपको आ रहा सम? और यहाँ उसका दूसरा टर्म है, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी हम कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों कहते हैं? देखो, अगर हम फॉर एग्जांपल हमने आज ये किया है, इस साल ये हमने ये लैंड किया है यूज़, तो दूसरे साल या तीसरे साल हम ये लैंड यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें जो फर्टिलिटी है वो तो निकला है, हाँ वो तो निकला है। और दूसरा ये है कि हम ये जो लैंड होता है, हम दूसरे दूसरे साल हम दूसरे जगह पे ये करते हैं, दूसरे जगह पे कल्टीवेट करते हैं। तो इसी तरह इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मीन्स कि एक साल से दूसरे, एक साल हमने यहाँ पे कल्टीवेट किया, दूसरे साल दूसरी जगह पे, तीसरे साल तीसरी जगह पे, इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आसाम में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं आसाम में इसको कहते हैं? झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन। और अगर हम केरला की बात कर रहे हैं, केरला में उसको कहते हैं पोनम, क्या कहते हैं? पोनम कल्टीवेशन। अगर हम मध्य प्रदेश, सॉरी आंध्र आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, वहाँ उसको कहते हैं पौधा, तो इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इरिगेशन सिस्टम नहीं होता है, इरिगेशन सिस्टम नहीं होता है, ये पुराने तरीके का ये कॉन्सेप्ट है, पुराने तरीके का कल्टीवेशन फार्मिंग है। आपको आ रहा है समझ? और इसमें क्या होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं नेचुरल फर्टिलिटी हम यूज़ करते हैं, मीन्स कि हम नेचुरली जो फर्टाइल फर्टिलिटी हो ज़मीन में, वही हम यूज़ करते हैं। मीन्स कि हम अपनी तरीके से या अपनी फर्टिलिटी के हिसाब से कोई बायोकेमिकल यूज़ करें, वो हम नहीं कर सकते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि ये होता है, ये एक्चुअली ये होता है मॉनसून पे बेस पे होता है, ठीक है। आपको आ रहा है सम? दिस इज योअर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ योअर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आपको आ रहा है समझ?
तो ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसका दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। आपको आ रहा है समझ? तो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो हम क्या करते हैं, जो हम सदियों से करते आ रहे हैं। हम क्रॉप करते हैं ग्रो इसमें, और इसमें क्या होता है, इसमें हम पुराने अपरेटस यूज़ करते हैं, पुराने टूल्स यूज़ करते हैं, या इसमें हम मशीनरी यूज़ नहीं करते हैं। ये मानसून बेस पे होता है, इसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कहते हैं, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, या स्लैश और बर्निंग फार्मिंग भी कहते हैं। आपको आ रहा है सम? इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।